पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक के बाद सरकार गठन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार बननी तय मानी जा रही है। कांग्रेस और एनसीपी की बैठक के बाद पृथ्वीराज चौहान और नवाब मलिक ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान और नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन राज्य का मुखिया कौन बनेगा इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनेगी, लेकिन इस पर कुछ चर्चा अभी बाकी है। तीनों दलों की साझा सरकार बनना आसान नहीं माना जा रहा। सरकार गठन को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि शिवसेना अगर अपने बात पर अड़ी तो कांग्रेस इस समझौते को तोड़कर बाहर आ जाएगी। लेकिन ये बात भी साफ है कि अगर सरकार बनेगी तो फॉर्मूला जो भी हो, मुख्यमंत्री पद पहले शिवसेना को ही जाएगा। एनसीपी एक और मजबूत पुल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी के भी कई नेता आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हम किसी नवसिखिए के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। इसी बीच तीनों दलों की सहमति के बाद संजय राउत ने एक और बयान दिया। संजय राउत का कहना है कि जब तीन दल सरकार बनाते हैं तो प्रक्रिया लंबी होती है। यह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आने वाले 2 से 5 दिनों में जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यह महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है। राउत ने अपने पार्टी के फेवर में सरकार गठन पर यह बयान तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी इसमें कितनी सहमत है ये नहीं बताया। खैर, उनका यह बयान सच साबित होता है या नहीं ये भी आने वाले 2 से 5 दिनों में पता चल जाएगा। टीम खबर अपडेट।